आज देखना है ग्लास ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज नहीं। अभी हमारा हो रहा है नाश्ता, नहा हुआ के एकदम परफेक्ट रेडी, नेचर सफारी, नेचर सफारी। यहाँ हो गया मेरा नाश्ता। आठ सवा आठ हो रहा है, यहाँ से हम लोग को 10 मिनट लगेगा टाइम जाने में ना। नाश्ता करके फटाफट निकले हो, ये क्या हो जाती है रात में बहुत ठीक करता है। डिनर करने के बाद एकदम वेट नहीं कर लेता, उसका अलग लेवल का मस्ती, बहुत मजा आ रहा है। बहुत कुछ चीजें सुनी है, कुछ खास नहीं ये नहीं हुआ है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक दिन स्टे करके चीजों को देखते हो ना तो चीजें बहुत मजेदार है, बहुत बहुत ज्यादा भी नई चीजें हैं, लेकिन जो भी है बहुत इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है, अच्छी है, मुझे अच्छा लगा। और हम लोग का सेकेंड एंड लास्ट डे, कोशिश करते हैं उधर से आने के बाद, क्योंकि हम लोगों ने रिटर्निंग का ट्रेन का टिकट नहीं लिया, क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं था कि एक दिन में लौटेंगे या फिर दो दिन में। हमने सोचा था कि चलो देखते हैं, अगर एक दिन में सारी चीज़ें हो जाएंगी अच्छी लगेंगी तो ठीक है, रुकेंगे नहीं तो नहीं, इसलिए हमें रिटर्निंग का टिकट नहीं कराया। तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोर्ट का बस अवेलेबल है हर वक्त, तो बस स्टॉप जाने के सामने। चलिए अब निकलने के लिए रेडी। सबसे पहले लाइट्स ऑफ, ओहो कदम की ठंडी। आसाम में आने के बाद हम लोग इस चीज को मिस करेंगे, बहुत अच्छा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस, मजा आया। नो बाबू, कहीं भी घूमने जाओ थोड़ा सा पैदल एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए, ताकि नजदीक की चीजों को जाने, तभी तो लगता है हर जगह की अपना ही सिटी तो है, अपने जैसा ही तो सारी चीजें हैं। और सच में अगर बार बार से चीजों को देखो ना तो लगता है कि अरे सिटी अलग है, बट अगर आप रुको या फिर पैदल चीजों को जा करके थोड़ा सा घूम कर देखो आसपास की चीजें, तो लगे कि नहीं अरे सारी चीजें सेम है, तो बस वैसा ही लग रहा है। आज हमने डिसाइड किया कि पैदल चलेंगे स्टॉप तक, ऐसे हमारी टुक टुक सवारी आ रही है। ये सुबह के 9 बजे का नजारा है, कितनी लंबी लाइन है टिकट के लिए, वाह वाह। एक कल का नजारा था और एक आज का, सुबह का 9 बजे का टाइम है, ये सबसे परफेक्ट टाइम है जहाँ भीड़ भी बहुत कम होती है और चीजों को बहुत अच्छे से आप जान भी सकते हो।
चलते हैं, आज हमें करना है नेचर सफारी का सफर। तो देखते हैं, जो सफारी तो बहुत तगड़ा रहा, आज है नेचर सफारी तो कैसा रहता है। इसका टिकट तो ले, अब चलते हैं देखते हैं क्या है अंदर में। चीजें वीडियो और फोटो में देखने में कुछ अलग होती है, बट हाँ यहाँ आओ तो कुछ अलग सा फील होता है जो चीजें यहाँ पे है। तो अब देखते हैं ग्लास ब्रिज का, काफी टाइम से देखा है, बहुत कुछ सुना है, आज फील करूंगी खुद से ये सारी चीजें। से चलेंगे स्काई वॉक के लिए, इतनी चीजें नेचुरल, इतनी खूबसूरत है, और ये है जंगल, घोर जंगल, घनघोर जंगल। सीढ़ियों से ऐसे और हमें जाना है वहां। वाओ, इधर जाना है।
बहुत मजेदार एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा भी है, चीजें यूनिक है, विजिट जरूर करें, बहुत मजेदार है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ग्लास ब्रिज का। अब चल रहे हैं हम लोग सस्पेंशन ब्रिज, तो देखते हैं यहाँ पे क्या रहती है। बहुत मस्त है, अच्छा लग रहा है। सबसे मजेदार चीजें जब अच्छी हो जाती हैं, जब इतनी ग्रीनी ग्रीनी चीजें हो ना आसपास में, तो और भी अच्छी है ना। और ये ऐसा लग रहा है कि जंगल से जा रहे हैं, चलते चलते रास्ते बन गए हैं, तो बिल्कुल वैसा ही फील हो कुछ ऐसा है रास्ता सस्पेंशन ब्रिज का जाने का, है ना। बीच बीच में पेड़ है, ऐसे वैसे हो करके निकलिए। और मेरे पास एक बंदर है, तो मुझे कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सुबह शाम देखती हूँ। मस्त वेटिंग एरिया है, यहाँ पे बैठ के वेट कीजिए। और ये है हमारा चलेंगे हम लोग इधर। हाँ भाई, बिना चश्मा के कैसे फोटो खींचाई ना 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 सही बात है तो बहुत मजा आ रहा है। ये हमारा सस्पेंशन ब्रिज जो बहुत हिल रहा है, बस एक ही चीज है कि अगर गलती से मोबाइल गिरा ना तो फटाक से नीचे जाएगा, क्योंकि गैप काफी है। ये खुफिया रास्ता है बम्बू हाउस। Thank you.
पहचान वालों से मुलाकात होगी। निशाने बाजी सेंटर किया लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे थे। मजा आया, अच्छा है। तो ट्रिप हमारा काफी मजेदार रहा। बस ये लास्ट है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे और डायरेक्ट यहाँ से निकलने में ही काफी टाइम लग जाएगा क्योंकि फिर यहाँ से टोटो लेकर के वहां तक जाना है। फिर देखते हैं चीजें कैसे कैसे होती हैं। बहुत मजेदार रहा ट्रिप, बहुत मजेदार। Thank you.